हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोंड्स के वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस रोजी वाइट फेशियल फॉर्म का ऑनेस्ट रिव्यू। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है अराउंड 250 रुपीज़, और ये आपको लोकल मार्केट्स में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ना भी मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, आप वहाँ से जाके भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो इसकी पैकेजिंग हर आम फेस वॉश की तरह है, ट्यूब शेप में है, और यहाँ पे एक फ्लिप कैप है। 250 रुपीज़ में मिलता है ये 100 ml, जो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और यहाँ पे मेंशन है इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, इसे यूज़ करने के डायरेक्शंस, और आफ्टर ओपनिंग हम इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट अंदर से वाइट कलर का है, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्रीमी है, मिल्की है, और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है। जस्ट लाइक पोंड्स की जैसी क्रीम होती है, बिल्कुल वैसी ही है। बहुत ही ज़्यादा माइल्ड स्मेल है। सो इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद स्किन बिल्कुल ही क्लीन हो जाती है। जो भी एक्सेस ऑयल होता है या फिर डस्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं फेस पर, वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाती हैं। और इसका क्लेम ये है कि ये डेड स्किन सेल्स को भी दूर करता है और स्किन की डलनेस को भी दूर करता है। तो ये बात इसकी सही है, वाकई में ये स्किन की डेड स्किन सेल्स को और डलनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड, इसका क्लेम ये है कि ये ब्राइटन अप करता है स्किन को, क्योंकि इसमें वाइटामिन B3+ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्किन को ब्राइटन अप नहीं करता है और ना ही स्किन पे कोई ग्लो आता है, बल्कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मैट हो जाती है इसे यूज़ करने के बाद। थर्ड, इसका क्लेम यह है कि ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है इन 2 वीक्स। तो ये बात पे मैं तो कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे डार्क स्पॉट्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है सो यू कैन गिव इट अ ट्राई कि वेदर 2 वीक्स में ये आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में हेल्प करता है या नहीं। और नेक्स्ट, इसका क्लेम ये है कि ये एक बहुत ही जेंटल फेस वॉश है। तो ये जेंटल फेस वॉश होगा लेकिन ऑयली या फिर जिनकी एक्सेस में ऑयली स्किन है उनके लिए, अदरवाइज ये नॉर्मल ड्राई स्किन या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उन्हें ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है और उसे एक्सट्रीमली स्ट्रेची बना देता है, जिसकी वजह से स्किन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होती है। मेरी स्किन ड्राई है तो इसे यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल ही ड्राई हो गई थी। तो दिस इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन ब्यूटीज़ के लिए ये फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हो गया है सारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू। तो अब चलते हैं और बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज़ की। तो इसके प्रोज़ ये हैं कि ये सुपर अफोर्डेबल है, ट्रैवल फ्रेंडली है, लोकल मार्केट्स में और ऑनलाइन बहुत ही आराम से मिल जाता है। ऑयली स्किन या फिर जिनकी एक्सेस में ऑयली स्किन है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। डस्ट और इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट है, और इसमें पैराबेंस या फिर सल्फेट्स एडिड नहीं है। तो अब आते हैं इसके कॉन्स पर। तो इसका कॉन सिर्फ यही है कि ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए फेस वॉश नहीं है, अदरवाइज इसमें और कोई भी कॉन नहीं है। सो व्यूवर्स, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन पोंड्स वाइट ब्यूटी के स्पॉटलेस रोजी वाइट फेस वॉश पर। आई होप आपको मेरे रिव्यू पसंद आया हो। तो देन इस वीडियो को जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, अगर आप ऐसे आगे और वीडियोज देखना चाहते हो। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।